भारत के महान राजनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री आचार्य चाणक्य ने मनुष्य के जीवन को सफल बनाने के लिए कई नीतियां बनाईं। उन्होंने इन नीतियों को एक ग्रंथ में समाहित किया। इन नीतियों को पढ़कर आज लोग सफलता की नई ऊंचाइयों पर पहुंच गए हैं। चाणक्य नीति में समाज, राजनीति, व्यापार, धर्म और व्यक्तित्व विकास के बारे में अनेक उपदेश और सूत्रों का संग्रह है। यह ग्रंथ व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में सफलता के लिए मार्गदर्शक सिद्ध होता है। इस ग्रंथ में आचार्य चाणक्य ने ऐसे 6 चीजों के बारे में बताया है जिनके बारे में बुद्धिमान व्यक्ति कभी किसी से जिक्र तक नहीं करते, क्योंकि ऐसा करने से नुकसान होने की संभावना अधिक होती है। तो आइए जानते हैं उन 6 चीजों के बारे में। नंबर 1, आचार्य चाणक्य के अनुसार बुद्धिमान व्यक्ति अगर किसी प्रकार की दवाई या औषधि ले रहा है तो उसके बारे में किसी और से नहीं बताना चाहिए। अपनी दवाइयों के बारे में दूसरों से बताने पर स्वास्थ्य पर उल्टा प्रभाव पड़ता है। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी दवाओं के बारे में दूसरों को बताने से बचते हैं। इसके कई कारण हैं। पहला, स्वास्थ्य की गोपनीयता। चाणक्य कहते हैं कि दवाएं व्यक्तिगत स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं। अपनी दवाओं के बारे में दूसरों को बताने से आपकी व्यक्तिगत स्वास्थ्य की जानकारी सभी को पता चल जाती है, जो उनकी गोपनीयता का उल्लंघन हो सकता है। दूसरा, गलत सलाह। बिना किसी जानकारी के दवाओं के बारे में सलाह देने से गलत उपचार या नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जिससे व्यक्ति के ऊपर उसका विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। तीसरा, दवाओं का दुरुपयोग। चाणक्य कहते हैं कि कुछ लोग दूसरों की दवाओं का दुरुपयोग कर सकते हैं, जिससे स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है, और किसी और को बताने से आपकी दवाओं का दुरुपयोग भी हो सकता है। चौथा, नकारात्मक धारणा। चाणक्य कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दवाओं का उपयोग करने वाले लोगों के बारे में नकारात्मक धारणा रखते हैं। ऐसे लोग बिना समझे ही इसके बारे में लोगों को नकारात्मकता फैलाने का काम करते हैं। अंत में चाणक्य कहते हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी दवाओं के बारे में दूसरों को बताने से पहले सावधानी बरतता है। वे अपनी गोपनीयता, सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हैं और केवल उन लोगों को जानकारी देते हैं जिन्हें वास्तव में जानने की आवश्यकता है। नंबर 2, चाणक्य कहते हैं कि विकट से विकट स्थिति में भी अपने घर का भेद किसी दूसरे को नहीं बताना चाहिए। ऐसा करने पर दुश्मन उसका फायदा उठा सकते हैं और आपको बर्बाद कर सकते हैं। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हम मुश्किलों में घिर जाते हैं और हमें किसी की मदद की आवश्यकता होती है। ऐसे समय में हमें सोच समझकर ही अपनी समस्याओं को दूसरों के साथ साझा करना चाहिए, खासकर जब बात हमारे घर और परिवार की हो। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं ढूंढने का प्रयास करते हैं। वे अपनी पारिवारिक और घरेलू जानकारी को गोपनीय रखते हैं और दूसरों को इसका दुरुपयोग करने का मौका नहीं देते। चाणक्य नीति यही कहती है कि हमें अपनी पारिवारिक और घरेलू जानकारी को गोपनीय रखना चाहिए। हमें केवल उन लोगों को ही अपनी समस्याओं के बारे में बताना चाहिए जिन पर हम भरोसा करते हैं और जो हमें सच्ची सलाह और मदद दे सकते हैं। नंबर 3, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि परिवार के किसी सदस्य की किसी दूसरे से बुराई नहीं करनी चाहिए। अगर आपस में एक दूसरे से कोई शिकायत है भी तो उसे खुद से ही सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरों को बताने पर वो आपके परिवार का उपहास करते हैं और आपके सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं। नंबर 4, यदि आपके व्यक्तिगत जीवन के दौरान आपसे कोई गलती हो जाए तो उसके बारे में किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि पति पत्नी के बीच की बातों को किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं पता चलना चाहिए, नहीं तो वह आपके बीच मतभेद पैदा कर सकता है और आपका रिश्ता भी टूट सकता है। इसलिए ऐसी कोई भी बात जो आपके व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी हो किसी से भी नहीं बताएं। इन चीजों को बताने पर समाज आप पर और आपके चरित्र पर संदेह करने लगता है। नंबर 5, चाणक्य के मुताबिक मनुष्य को चाहिए कि अगर उसे खराब भोजन करना पड़े या करे तो उसके बारे में किसी से न बताए। कई बार हमें ऐसा भोजन खाना पड़ता जाता है जो हमें पसंद नहीं होता है, जैसे कि यह किसी पार्टी, शादी या अन्य सामाजिक समारोह में हो सकता है, और कई बार हमें अपनी मर्जी के खिलाफ भोजन खाना पड़ता है। जब हम किसी बीमारी या स्वास्थ्य संबंधी समस्या के कारण बिना मन से भोजन करते हैं, आचार्य कहते हैं
कि कई बार खराब भोजन के बारे में दूसरों को बताने पर अपमान और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ जाता है। खराब भोजन के बारे में किसी और को बताने से समस्या का समाधान नहीं होता है। चाणक्य का कहना है कि हमें जीवन में आने वाली कुछ अप्रिय परिस्थितियों को स्वीकार करना चाहिए और उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें नकारात्मकता और आलोचना से बचना चाहिए और अपनी ऊर्जा सकारात्मक कार्यों में लगाना चाहिए। नंबर 6, अंत में चाणक्य कहते हैं कि लोगों से सुने बुरे शब्दों को दूसरों तक नहीं पहुंचने देना चाहिए। बुराई और निंदा वाले शब्दों को खुद तक ही रखना चाहिए। इससे आपका मान सम्मान बना रहता है। यदि आप किसी के बुरे शब्दों को सुनकर किसी को बता देते हैं और वह किसी और को बताता है, ये बातें समाज में फैल जाती हैं, जिससे आपका ही अपमान होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों से बात करने में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि हमें ख्याल ही नहीं रहता कि हमें कौन सी बातें बोलनी चाहिए और कौन सी बातें नहीं बोलनी चाहिए। जब ऐसा होता है तब हम ऐसी बातें भी बता देते हैं जो हमें नहीं बतानी चाहिए थी। फिर हमारी इस नादानी की वजह से हमें बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ता है और हमारे पास पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं बचता। इसीलिए आचार्य चाणक्य बताते हैं कि व्यक्ति को अपनी निजी बातें किसी को भी नहीं बतानी चाहिए, चाहे कोई कितना भी प्रिय क्यों ना हो। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप अपने लिए मुसीबत पैदा करते हैं। आज इस वीडियो में आपको 8 ऐसी बातों के बारे में बताएंगे जो किसी को नहीं बतानी चाहिए, जिन्हें चाणक्य नीति में दूसरों को बताने से मना किया गया है। तो चलिए जानते हैं, आइए जानते हैं। नंबर 1, घर परिवार की बातें। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो अपने घर परिवार की निजी बातें अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या परिचय के लोगों में साझा करते हैं और बाद में खुद ही पछताते हैं। घर परिवार की बातें जब बाहर फैलती हैं तो घर में और कलेश बढ़ता है, आपस में मनमुटाव होने लगता है। इसलिए घर की बातें घर में रखने से घर की खुशहाली बनी रहती है, जीवन सुखमय बनता है। छोटी मोटी समस्याएं तो हर किसी के घर और जीवन में चलती ही रहती हैं। केवल आप ही नहीं, घर घर की यही कहानी है। इसके अलावा आपस में पति पत्नी की बातें भी किसी के साथ साझा ना करें। कई मूर्ख लोग ऐसे होते हैं जो अपनी पत्नी के व्यवहार की बातें अपने मित्रों या परिचय के लोगों में करते हैं। ये एक बहुत ही बड़ी गलती है जिसे भूलकर भी नहीं करना चाहिए। आप तो अपना मन हल्का करने के चक्कर में बता देते हैं, लेकिन वे इस बात से आपका या आपकी पत्नी का मजाक उड़ाते रहेंगे। इससे आपकी खुद की वैल्यू ही खत्म होती है और जब ये बात घूम कर घर वापस किसी तीसरे के माध्यम से पहुंचती है तो पति पत्नी का रिश्ता भी टूटने की कगार पर पहुंच जाता है और फिर आप पछताते हैं। इसीलिए अपने घर की लड़ाई झगड़े या निजी बातें किसी को ना बताएं। नंबर 2, अपनी आमदनी की बात। लोग आपसे आपकी आमदनी जानने की कोशिश करते हैं। अगर आप अपनी कमाई दूसरों को बताते हैं, वे आपसे अपनी जरूरत में कुछ ना कुछ जरूर मांगेंगे। वे आपकी आमदनी को जानकर अपनी योजना बना लेते हैं। जब किसी कारणवश आप उन्हें नहीं दे पाते तो वे आपसे मनमुटाव, यहाँ तक कि आपकी बुराई करने लगते हैं और यही कहते हैं कि इतना पैसा होते हुए भी, इतनी कमाई होते हुए भी सहायता नहीं करते। ऐसा तब होता है जब आमदनी किसी की नजर में ज्यादा होगी, और अगर कम होगी जिन लोगों की नजर में, वे आपका मजाक उड़ाएंगे, आपकी कद्र नहीं करेंगे। इसीलिए अपने धन को गोपनीय रखें, वरना कुछ लोग आपसे आपका धन उधार मांग लेंगे पर लौटाएंगे नहीं और आपको ही बुरा बना देंगे। इसीलिए आपको अपनी आमदनी नहीं बतानी चाहिए। नंबर 3, अपनी अतीत की गलती की बात। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अतीत में की गई कभी किसी गलती की चर्चा किसी से ना करें, जबकि आप जानते हैं कि वे गलती जो हो गई सो हो गई। अब अतीत में जाकर कुछ नहीं किया जा सकता और आज किसी को बताने में भी इसका कोई अर्थ नहीं। फिर भी आप अगर अपने अतीत के अंधेरे को किसी के सामने रखेंगे तो उसकी आपके प्रति नकारात्मक सोच ही बनेगी। वे आपको हमेशा इसी नजरिए से देखेगा और ये पक्का है कि वह व्यक्ति दूसरों को भी आपकी ये बात बताएगा, जिससे आपकी छवि खराब होगी और आप समाज में वो सम्मान नहीं पा सकेंगे जो आप पाना चाहते हैं। अतः अतीत छुपाएं। नंबर 4, भविष्य की रणनीति की बात। आप जानते हैं भविष्य में क्या करने वाले हैं और कैसे करेंगे,
ये रणनीति भी भूलकर भी दूसरों को नहीं बतानी चाहिए। आप नहीं जानते कि दोस्त की शक्ल में कौन दुश्मन ऐसा है जो आपकी तरक्की से जलता है। जब वह आपकी योजना जान लेता है तो पक्का वह रुकावटें पैदा करेगा, आपको समझाएगा कि क्यों ये काम आपको नहीं करना चाहिए, या फिर कोई ना कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। और जब दूसरों की गलतियों से या रुकावटों से किसी कारणवश असफल हो जाते हैं तो वे सब मिलकर आपका मजाक बना लेते हैं, आपको नीचा दिखाते हैं। इसीलिए किसी खास कार्य की योजना कभी भी दूसरों से साझा नहीं करनी चाहिए। नंबर 5, अपनी कोई कमजोरी या ताकत की बात। अक्सर इंसान को अपनी कमजोरी या ताकत का पता नहीं होता। अगर आपको अपनी कमजोरी और ताकत पता है तो इसे किसी के साथ भी साझा ना करें। वो इसलिए, अगर आपकी कमजोरी लोगों को पता चल गई तो वे आपको कमजोर समझकर गलत व्यवहार करेंगे और आपको दबाने की कोशिश करेंगे। वो आपकी कमजोरी का ही फायदा उठाते रहेंगे। और अगर आपकी ताकत भी किसी को पता चल जाती है तो वह भी आगे चलकर आपकी कमजोरी बन सकती है, क्योंकि लोग किसी न किसी तरह से आपकी ताकत का कोई ना कोई तोड़ ढूंढ ही लेंगे और आपको हरा देंगे। इसीलिए हमेशा अपनी कमजोरी या ताकत दूसरों से छुपा कर रखें। नंबर 6, अनावश्यक अपमान की बात। वैसे तो अपने अपमान होने पर प्रतिकार करना चाहिए, लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि किसी मजबूरी के कारण अपमान झेलना पड़ जाता है। अपमान वाली बात ज्यादा समय अपने दिल में नहीं रखनी चाहिए, बल्कि प्रयास करें कि ऐसा दोबारा ना हो। ध्यान रखें, अपने अपमान की बात की चर्चा अगर आप किसी से करते हैं तो वे भी आपका सम्मान नहीं करेंगे, हो सकता है कि वो भी अपमान करने लगे। जब ये चर्चा फैल जाती है तो हर जगह आपको उसी नजरिए से देखा जाता है। अतः यदि आप सम्मान पाना चाहते हैं तो अपने अपमान की चर्चा कभी ना करें। नंबर 7, अपने मन की बात। मन में बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिन्हें जग जाहिर करने से बहुत से संकट खड़े हो सकते हैं। मन में हजारों तरह के विचार उत्पन्न होते हैं। हो सकता है आपके मन में किसी के लिए क्रोध हो या घृणा हो, और यह किसी से आपने बता दिया तो इसका परिणाम घातक हो सकता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति उन्हीं बातों को व्यक्त करते हैं जो हितकारी होती हैं। आप जैसी चर्चाएं करते हैं, लोग भी वैसी ही राय आपके बारे में बना लेते हैं। एक मनुष्य के 100 अच्छे काम लोग भूल जाते हैं, पर बुराई एक ही हो तो उसे नहीं भूलते। अतः शांत रहें। नंबर 8, किए हुए दान पुण्य की बात। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने द्वारा किए गए दान पुण्य की बात को बार बार सबको सुनाते रहते हैं। दोस्तों, आपके लिए आपके किए गए दान पुण्य का फल कब और कितना मिलेगा, ईश्वर के हाथ है। पर अगर आप दान पुण्य की बात दूसरों को बताते हैं तो लोग आपसे घृणा करने लगते हैं। बात थोड़ी अजीब है, किसी के गलत काम पर तो लोग घृणा करते ही हैं, लेकिन अच्छे काम पर भी घृणा करते हैं यदि वह अपने किए गए पुण्य की बार बार चर्चा करता है। इसलिए अपने दान व पुण्य की बातें गुप्त रखें और लोगों से वो बातें करें जो उनके हित में हो। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें।